फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल हैप्पी ब्लॉग। आज मैं आपको अपना पूजा रूम दिखाती हूँ। देखिए हमारा पूजा रूम किस तरह का है, आप देख सकते हैं। ये हमारा पूजा रूम है, इसमें हमने शीशे का गेट लगा रखा है। इसको हम रात को बंद कर देते हैं, ये खोल के हम अंदर आते हैं। हमने शीशे का गेट इसलिए लगाया है, इसको बंद कर देते हैं जिससे छिपकली और चूहे हमारे घर में ना आए, पूजा रूम के अंदर ना जा सके। देखिए आज अष्टमी का दिन है तो मैंने ये सब पूजा की तैयारी की है। देखिए फ्रेंड्स, आज अष्टमी का दिन है तो हमने ये सब इसका कपड़ा बदला है, ये कपड़ा बदला है, और भगवान जी को गीले कपड़े से सब साफ़ करके हमने इसको तैयारी की है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी देवी माता की तस्वीर है, कितनी सुंदर तस्वीर है हमारी, इसमें कितनी रौनक है, कितना अच्छा लगता है यहाँ बैठ के। ये सब हमारा पूजा रूम है, ये सब आप देख सकते हैं। ये हम अपने बर्तन धो के ले आए हैं, मांझ के बर्तन सब ले आए हैं। ये हमने फूल लेके आए हैं अपने बाहर लॉन में से, हमने बाहर लॉन में फूल लगा रखे हैं तो हम कुछ फूल ले आए हैं। ये हमने कड़सी कर लिया भगवान जी के लिए, अब हम अपनी पूजा स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, पहले हम गणेश भगवान की पूजा करेंगे। बोलो गणपति भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, शंकर भगवान की जय, चंडी मैया की जय, वैष्णो मैया की जय, बोलो सभी देव देवताओं की जय। आप देखिए हमने आप इसे जोत जला दी है और ये धूप बत्ती भी हमने जला दी है भगवान के लिए। भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। देखिए हमने ये सब तैयारी कर ली है, घी रख लिया है, कपूर लौंग और ये सामग्री हमारी दुर्गा सप्तशी रख ली है। देखिए हमने धूप बत्ती सभी, हमारा घी प्रसाद सब हमारा यहाँ पर रखा है, जिसे हमें बार बार इधर उधर ना जाना पड़े और हम जो है आराम से पूजा कर सकते हैं। हमने ये अपनी जोत जला दी है, धूप बत्ती जला दी है। इसके बाद हम गणेश जी की पूजा करेंगे। गणेश जी की पूजा करने के बाद में हम मैया की जोत करेंगे। हमने घी डाल दिया है, घी डाल के कपूर डाल के इसमें हम लौंग मैया को चढ़ाई है। लौंग चढ़ाने के बाद में हमने थोड़ी सी सामग्री हम मैया को चढ़ाएंगे। मैया को हमने सामग्री चढ़ाई है, सामग्री चढ़ाने के बाद हमने थोड़ा सा साइज में घी डाल दिया है। देखिए प्रसाद डाल दिया है के बाद हमने ये कड़सी करने के बाद में अब हमने हाथ जोड़ के मैया से प्रार्थना की है कि मैया हमारे जीवन को स्वस्थ रखे, हमारे बच्चों को स्वस्थ रखे, जो हमारे संपर्क में आने वाले सभी लोग हैं उन सभी लोगों को स्वस्थ रखे, सभी पर अपनी कृपा बरसाती रहे, मैया सब पर अपनी कृपा अच्छी रखे। इसके बाद हम देखिए हम गणेश जी की पूजा करने के बाद में हम अन्नपूर्णा मैया की पूजा करते हैं। अन्नपूर्णा मैया की पूजा करने के बाद में हम अब दुर्गा स्तुति करते हैं और दुर्गा सप्तशी का पाठ करते हैं। इसके बाद हम दुर्गा चालीसा करते हैं उसके बाद में मैया की आरती करके भोग लगा के हम अपनी पूजा संपन्न करते हैं। बोलो दुर्गा मैया की जय।